अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये हमारा टीएस गिरवाल की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एडमिशन चैप्टर से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 27। फटाफट से मैं आपको इसके हाइलाइट्स बताने वाला हूं, फिर मिलकर ये क्वेश्चन हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्टनर है, राम और मोहन, और इसके अलावा यहाँ पर इनका जो पुराना शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक नया पार्टनर कंपनी में आ रहा है जिसका नाम है यहाँ पे सोहन। सोहन कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। अब सोहन जब कंपनी में आ रहा है तो इस बार वो गुडविल का पैसा ना लाकर वो अपने पास जो एसेट्स है वो लेकर आ रहा है। देखो कई बार क्या होता है कि आप कंपनी में आना चाह रहे हो, किसी कंपनी में ज्वाइन करना चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, आपकी कंपनी में मैं एज अ पार्टनर ज्वाइन करना चाहता हूँ। आपने कहा कि सर आपको अगर कंपनी में आना है तो आपको 1,00,000 रुपए लेकर आना पड़ेगा एज अ कैपिटल, और 20,000 रुपए आपको लेकर आना पड़ेगा हमारे लिए गुडविल, जो कि आप हमें बांट दोगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, या फिर हम खुद ही बांट लेंगे, है ना। तो यहाँ पर मैंने कहा कि भाई ठीक है टोटल 1,20,000 रुपए, लेकिन मेरे पास तो कैश में कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारी कंपनी में जो मशीन इस्तेमाल होती है, जो फर्नीचर इस्तेमाल होता है, जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, वो सब मेरे पास है अवेलेबल, तो तुम एक काम करो वो मशीन और फर्नीचर सब कुछ रख लो, और उसकी वैल्यू भी कितनी है 1,20,000 के बराबर है, है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि भाई आप क्या बोलोगे, भाई ठीक है ये तो क्या फायदे का सौदा ही है, हमें बाजार से भी बाद में मशीन खरीदनी पड़ती, फर्नीचर खरीदना पड़ता, तो हम क्या कर लेते हैं आपसे ये मंगा लेते हैं, और इसी को हम क्या कंसीडर कर लेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर लेंगे, आपके द्वारा जो आपने गुडविल इन्वेस्ट करी है वो हम समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज हो रही है इस क्वेश्चन में, तो फटाफट से क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं, हमें और डिटेल पता चलेगी। कहते हैं कि यहाँ पे स्टॉक ये पार्टनर लेकर आया है कितने रुपए का, 60,000 रुपए का, डेटर लेकर आया है 80,000 रुपए का, लैंड है इसके पास 1,00,000 रुपए, प्लांट एंड मशीनरी है 40,000 रुपए, ठीक है। डेटर का मतलब है कि इसने कहा भाई मुझे 80,000 किसी से लेने हैं, तो वो जो पैसे मिलेंगे वो आप ही लोग रख लेना, ठीक है, इस तरह से। तो ये भी उसकी एसेट हो गई। ऑन द डेट ऑफ द एडमिशन ऑफ द सोहन द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड 6,00,000। कहते हैं जब उसका एडमिशन हो गया तो उसके बाद यहाँ पर जो तीनों पार्टनर्स की गुडविल मिलाकर बन गई वो कितनी बन गई, 6,00,000 रुपए, है ना। तो अब इसमें वो कितनी गुडविल लेकर आया हमें वो भी पता करना है। ये तो बहुत सिंपल है भाई, अगर तीन पार्टनर है हमारे पास और उन तीनों की गुडविल मिलाकर हमारे पास 6,00,000 रुपए है, और जो नया पार्टनर कंपनी में आ रहा है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है, तो हम उसका उसमें हिस्सा निकाल लेते हैं भाई, कितना हिस्सा वो लेकर आया अपने गुडविल का। तो यहाँ से जैसे हम इसे करेंगे तो हमें पता चल गया कि कितनी गुडविल लेकर आया फॉर्म में, ये लेकर आया 1,50,000 की गुडविल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एंट्री करते हैं फटाफट से। एंट्री किसकी करनी है, पहले तो हम क्या करते थे, हमारे पास कैश आता था, जो नॉर्मल गुडविल का पैसा आता था वो कैश में आता था, तो हम यहाँ पे लिखते थे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना, उसका सोर्स। लेकिन इस बार कैश की जगह क्या क्या आ रहा है हमारे पास, इस बार हमारे पास एसेट्स आ रही है, तो हम एसेट्स का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो सारे के सारे जो एसेट्स हैं वो हमारे डेबिट में आएंगे। तो कौन कौन सी एसेट्स है हमारे पास, हमारे पास है स्टॉक है, तो हमने लिखा है स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, हमारे पास है डेटर्स हैं, तो डेटर्स का भी नाम क्या आएगा हमारे पास, डेबिट में आएगा, क्योंकि ये भी कंपनी में आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो इसके बाद और क्या डेबिट व्हाट कम्स इन हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी हुई है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, प्लांट एंड मशीनरी भी फटाफट से लिख लेते हैं, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, अकाउंट डेबिट। इसके अलावा क्या आया है हमारी कंपनी में, इसके अलावा हमारे पास लैंड भी थी जो हमने पहले लिखनी थी लेकिन हम बाद में लिख लेते हैं, तो लैंड अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने अमाउंट लिख दिए, अमाउंट लिखने के बाद हम सॉरी अमाउंट हमने अभी लिखे नहीं, अभी अमाउंट लिखते हैं फटाफट से। अमाउंट कितने कितने हमारे पास, स्टॉक है हमारे पास 60,000 रुपीज का, है ना, इसके बाद हमारे पास डेटर्स हैं 80,000 के, और लैंड का जो अमाउंट है 1,00,000 रुपए का वो लास्ट में आएगा यहाँ पर क्योंकि हमने इसे बाद में लिख दिया, और प्लांट एंड मशीनरी में कितना आएगा, 40,000 आएगा। अब आपका काम यह है कि आप इसको क्या करो, एक बार टोटल करो, तो टोटल आपको पता चलेगा कि टोटल कितनी वैल्यू वो कंपनी में लेकर आ रहा है ना। तो टोटल इसका अगर हम करते हैं 60,000 80,000 40 और 1,00,000, तो यहाँ पर आता है 2,80,000, है ना। तो 2,80,000 का टोटल अमाउंट ये पार्टनर कंपनी में लेकर आ रहा है, लेकिन हमने क्या करा था, गुडविल फाइंड आउट करी थी कि भाई कंपनी में कितने गुडविल की रिक्वायरमेंट थी, इसके थ्रू जो गुडविल की रिक्वायरमेंट थी वो थी 1,50,000, है ना। तो अगर 2,80,000 में 1,50,000 इसकी गुडविल है, तो बाकी पैसा है किस चीज का लाया, बाकी पैसा ये लेकर आया एक्स्ट्रा कैपिटल का, एडिशनल इन्वेस्टमेंट के नाम पर, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दो सोर्स लिखेंगे कि भाई ये स्टॉक डेटर्स प्लांट मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग का जो पैसा लेकर आया है ये किस वजह से लेकर आया, इसका सोर्स क्या है।
तो उसका सोर्स है भाई प्रीमियम फॉर गुडविल, कि भाई ये एक तो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लेकर आया था, है ना। इसके अलावा क्या हुआ था भाई, इसके अलावा हमारे पास ये लेकर आया है कैपिटल, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका नाम लिख लेंगे, हमारा पार्टनर का जो नाम है वो है सोहन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोहन कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ पे जो गुडविल लाया था ये कितने की लाया था, 150,000 की लाया था। अब ये जो बचा हुआ इनके हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट करा हमने 2,80,000, 2,80,000 में हमने गुडविल माइनस करी, जो रिमेनिंग बचा वो कितना बचा, 1,30,000। 1,30,000 क्या लाया, ये हमारी कैपिटल लेकर आया कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे 1,30,000। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो नरेशन बनेगी वो हमने जनरेटर तो कर दी, नरेशन क्या बनेगी, नरेशन बनेगी बीइंग द प्रीमियम फॉर गुडविल एंड द शेयर कैपिटल अमाउंट रिसीव इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स, ठीक है। हम जो एक्टिविटी करते हैं हमेशा वही लिखनी है। चलिए इसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप, जहां पे हमें क्या करना है, जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो हमारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। भाई जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपको याद है, तो हम इसे करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। तो हमें क्या करना है, बस फटाफट से इसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा हमारे पास, आपको पता है भाई, 3:2 है हमारा ओल्ड, और इसका नया पार्टनर जो आ रहा है वो आ रहा है 1/4 के लिए। तो एक कंडीशन बताता हूं, तो आपको सैक्रिफाइसिंग निकालने में बड़ा आसानी हो जाएगी, है ना। अब क्या करना होता है, बेसिकली जब भी हमारे पास हमारे ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो गिवन होते हैं, ठीक है, मैं आपको कंडीशन क्या बता रहा हूं, मैंने कई सारे वीडियो में बताया है, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो गिवन हो और न्यू पार्टनर का सिर्फ और सिर्फ शेयर गिवन हो, ठीक है, न्यू शेयर, तो ऐसे में हमेशा ओल्ड रेशियो ही हमारा क्या होगा, हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, ठीक है। यानी कि इस जो कंडीशन मैंने बताई है, क्या है वो इस क्वेश्चन में फिट हो रही है, बिल्कुल हो रही है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, तो ऐसे में हमारा जो ओल्ड रेशियो है वही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, ठीक है। अब हमें पता चल गया भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, जो हमारी गुडविल आई थी 1,50,000, अब हम उसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। किस रेशियो में आएगा भाई, 3:2 में ही आएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1,50,000 की जो गुडविल है हमारे ओल्ड पार्टनर में बटेगी 3:2 में, यानी कि 3/5 में। फिर एक बार दोबारा इसे कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2/5 करेंगे। इसे फटाफट से सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर एक पार्टनर को मिलेगा 90,000 का अमाउंट और दूसरे पार्टनर का हमारे पास जो मिलेगा वो मिलेगा 60,000 का अमाउंट, ठीक है। बस हमें पता चल गया कि भाई एक को गुडविल मिलेगी 90,000, एक को मिलेगी 60,000। तो अब क्या करते हैं, फटाफट से जर्नल एंट्री भी पास कर लेते हैं कि अब जो हमें क्या करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब भी हम प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखने वाले हैं डेबिट में। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट था हमारे पास, 1,50,000 रुपए है, हमें किसको बांटना है, दोनों पार्टनर को बांटना है। अब यहाँ पे नाम आ जाएगा उन दोनों पार्टनर का, सो यहाँ पे दो पार्टनर जो है हमारे पास है पुराने वाले, राम और मोहन, तो यहाँ पे आएगा राम कैपिटल अकाउंट और फिर आएगा मोहन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना कितना आएगा भाई, 90,000 आएगा और इसके अलावा हमारे पास 60,000 आएगा, ठीक है, बस हो गया। अब हमें क्या करनी है, नरेशन लिखनी है भाई। हम नरेशन में क्या लिखें, क्या एक्टिविटी करी हमने, बीइंग द प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब इसके बाद हमारे पास दो केसेस दे रखे हैं, इस केसेस को फटाफट से फोकस करते हैं। ये कहते हैं पार्टनर डू नॉट विड्रॉ द शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि पार्टनर्स के हिस्से में जो गुडविल आई है वो कंपनी से विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। विड्रॉ करने का मतलब क्या होगा, कंपनी से गुडविल लेके नहीं जा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, नो जर्नल एंट्री। इसके लिए तो पहले केस के लिए क्या हो जाएगी, नो जर्नल एंट्री, ठीक है, क्योंकि वो जब लेके नहीं जा रहे हैं तो क्या जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में कहते हैं कि पार्टनर विड्रॉ हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, पहले केस में तो हमने कर दिया कि भाई नो जर्नल एंट्री, है ना, लेकिन इसके बाद क्या करना है कि भाई दूसरे में तो वो पैसा लेके जा ही रहा है ना, तो दूसरे में पैसा लेके जा रहा है तो उसकी एक जर्नल एंट्री होगी। जब भी हमारे पार्टनर कोई पैसा कंपनी से विड्रॉ करते हैं तो कंपनी में जब हम जर्नल करेंगे तो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स का नाम डेबिट लिख दे देते हैं और वो सोर्स बताते हैं क्रेडिट में कि भाई किस चीज का पैसा लेके जा रहे हैं।
तो यहाँ पर ये हाफ हाफ पैसा लेके जा रहे हैं, यानी कि अगर राम को यहाँ पे 90,000 की गुडविल मिली है तो ये कितना पैसा लेके जाएगा, इसका हाफ 90,000 का हाफ लेके जाएगा 45,000, ठीक है, ये भी मैं रफ निकाल रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास 60,000 का वो हाफ लेके जाएगा, यानी कितना लेके जाएगा 30,000 लेके जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक जनरल एंट्री पास कर देते हैं कि भाई ये ड्रॉइंग्स करके लेके जा रहे हैं, तो ड्रॉइंग्स की मैंने आपको जनरल एंट्री क्या बताई, हम पार्टनर्स का नाम डेबिट लिख देते हैं, जब भी कोई पार्टनर पैसा लेके जाएगा कंपनी में तो हम उनका नाम क्या लिखेंगे, डेबिट में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले राम कैपिटल अकाउंट, ठीक है, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसके अलावा आगे हमारे पास मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये जो सोर्स बताना है, अब ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों पार्टनर पैसा लेके जा रहे हैं डेबिट में आने से तो ये पता चल रहा है, लेकिन किस चीज का लेके जा रहे हैं, उसका नाम आएगा। तो नाम क्या आएगा भैया, नाम आएगा यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेके जा रहे हैं, है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल हम यहाँ पे लिख लेते हैं फटाफट से, हमने वो भी लिख लिया। अब हमें क्या करना है, अमाउंट लिखना है। अब ये कितना कितना पैसा लेके जा रहे हैं भाई, 90,000 था उसका आधा लेके जा रहा था एक पार्टनर, यानी कि 45,000, है ना। अब उसका दूसरा पार्टनर था जो 60,000 मिल रहा था, उसका वो आधा लेके जा रहा था, वो कितना हो गया 30,000 रुपए। अब हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करो और प्रीमियम फॉर गुडविल वो कितना पैसा लेके जा रहा है आपने अभी मुझे बताना है, होमवर्क है आपका, आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि भाई इन दोनों का टोटल करके यहाँ पे क्या आएगा और क्या अमाउंट यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल में वो टोटल विड्रॉ करके ले गए हैं। नरेशन में आपको बताता हूँ, नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है, बस हो गया आंसर हमारा पूरा। होप करता हूं आपको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ मैं आपको इंस्टाग्राम का हैंडल शेयर कर रहा हूं जहां पर आप क्या कर सकते हैं, मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में हम एक दूसरे की पार्ट का ग्रोथ का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको बिजनेस के लेक्चर चाहिए तो आप मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, युग जी अकेडमी, इसको डाउनलोड करने के बाद वहां पे आपको मिलेगा बिजनेस के लेक्चर्स और आप उसमें एनरोल हो सकते हैं और वहां पे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, आपको जानने के लिए मिलेगा कि केस स्टडीज कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए, इसके अलावा हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देयर।